तो हर दिन की तरह आज भी आप सबके लिए भर भर के अपडेट्स लाए हैं और आज का अपडेट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो से आपको जानने को मिलेगा Assassin's Creed Codename Jade का टेक्निकल टेस्ट, Apex Legend Mobile 2.0 का एक नया ट्रेलर जिसे हम अभी फिलहाल हाई एनर्जी हीरोज के नाम से जानते हैं, फैंटम ब्लेड का फाइनल बीटा टेस्ट और आखिर में जाते जाते बात करेंगे टेरिस लैंड का आज आने वाला है एक नया सीबीडी। तो कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना, लेकिन कहीं भी पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब वाला स्कीम जो है सिर्फ और सिर्फ नए यूजर के लिए है। सब्सक्राइब कर लेते हो तो इसी तरह से हर रोज आपको गेमिंग से रिलेटेड अपडेट्स तो मिलते ही रहते हैं, कर देना। ठीक है समरिया, तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं टेरिस लैंड गेम के अपडेट से। तो फाइनली टेरिस लैंड गेम का नया सीबीडी का जो सर्वर है आज से खुलने वाला है, जैसे कि आप पढ़ भी सकते हो और प्री डाउनलोड ऑलरेडी गेम का स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी आप पूछोगे कि यार इस गेम को हम कैसे डाउनलोड करें, हमें भी खेलना है। अभी तो शायद जब तक इस वीडियो को बना रहे हैं सर्वर खुला नहीं है, तो अभी भी आपके पास चांस है इस गेम को खेलने का। कैसे, इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन अप करना है, देन आपको लक के ऊपर छोड़ देना है कि आपको ये गेम खेलने को मिलेगा या फिर नहीं। लेकिन अगर आप पीसी यूज करते हो तो ग्लोबली इस गेम को लॉन्च किया गया है, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड और iOS में इस गेम को खेलना चाहते हो तो आपको रहना पड़ेगा ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, मलेशिया, फिलीपींस और यूनाइटेड किंगडम। तो इन्हीं रीजनों में फिलहाल मोबाइल डिवाइसों के लिए रिलीज करने वाले हैं। अब इसका ग्लोबल लॉन्च कब होगा, इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन मार्क है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। दूसरा अपडेट हमारा एपिक्स लेजेंड मोबाइल 2.0 के नए ट्रेलर को लेके है। नया ट्रेलर इस गेम का रिलीज हो चुका है। अगर आपको इस गेम के बारे में नहीं पता है तो आप सीधे जाके सर्च करो यूट्यूब में हाई एनर्जी हीरो, तो बहुत सारा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ऑब्वियसली हम भी काफी सारे अपडेट जो है इस गेम से कवर कर चुके हैं, लेकिन जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ये ट्रेलर तो नहीं है। ट्रेलर देखने के लिए तो आपको हमारे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ गेम पूरा कॉपी है एपिक्स लेजेंड मोबाइल का, जिसमें आप देख पाओगे क्लाइंब करते हुए अपने कैरेक्टर को, स्किल यूज करते हुए, साथ में जो गन मैकेनिक्स है पूरा का पूरा एपिक्स लेजेंड मोबाइल का वाइब देता है। और फिलहाल इस गेम का नया जो टेस्ट है आज से शुरू होने वाला है, लेकिन अगर आप पूछोगे कि हमें कैसे डाउनलोड करना है तो चाह कर भी आप नहीं खेल पाओगे, लेकिन अगर आपके पास QQ या फिर WeChat का अकाउंट है तो फिर आप ट्राई कर सकते हो इस टेस्ट को। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। नेक्स्ट अपडेट फैंटम ब्लेड की तरफ से आ रहा है। इसका फाइनल ओपन बीटा टेस्ट जो है फिलहाल आ चुका है एंड्रॉइड, iOS और PC के लिए, जिसे आप कहीं से भी डाउनलोड करके खेल सकते हो। ये जो फाइनल बीटा है June 26 से लेके July 10 तक चलेगा, उसके बाद ही इस गेम को ग्लोबली रिलीज किया जाएगा। अब रिलीज डेट कब है इसके बारे में तो अभी तक मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन अगर आप फैंटम ब्लेड के बहुत बड़े फैन हो तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो, जो आपको टैप टैप में मिल जाएगा बहुत ही कम MB के साइज में। ट्रेलर देख के थोड़ा बहुत गेम के बारे में भी आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है काफी सारे हमारे दोस्त जो है इस टाइप के गेम खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। करते हो क्या? मजा नहीं आ रहा है। और हमारा आखिरी अपडेट जो इस वीडियो का रेड का हड्डी है, यानी फाइनली हम बात करने वाले हैं Assassin's Creed Codename Jade गेम के बारे में। तो फिलहाल जो लीक्स निकल के आ रहे हैं कि Ubisoft प्लान कर रहे हैं एक टेक्निकल टेस्ट स्टार्ट करने का क्लोज बीटा से पहले। ये जो टेक्निकल टेस्ट है जिसका प्री डाउनलोड कल से शायद शुरू हो सकता है, कुछ सिलेक्टेड यूजरों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मिलता है हमें खेलने को तो ऑब्वियसली गेम प्ले वगैरह तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन क्या पता आप सबको भी खेलने को मिल जाए। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस स्टेज में ज्यादातर यूजर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शायद मुझे लगता है इनवाइट सिस्टम रखने वाले हैं और Ubisoft का इनवाइट सिस्टम कितना टफ है ये तो आपको पता होगा, द डिविजन, रिसर्जन या फिर रेनबो सिक्स मोबाइल गेम से। लेकिन सर्च के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मुझे पता चला गेम का साइज कितना है। ऑब्वियसली स्क्रीन में आप पढ़ सकते हो, December 2022 में जब टेक्निकल टेस्ट स्टार्ट किया गया था सिर्फ और सिर्फ iOS डिवाइस यूजरों के लिए, तो उसका लगभग साइज था 7 to 8 GB के आसपास, और एंड्रॉइड में ये गेम जब आएगा तो लगभग इसी के आसपास हो सकता है। लेकिन आपको पता है iOS में जो भी गेम लॉन्च होते हैं, चाहे वो टेक्निकल टेस्ट हो या फिर ग्लोबल वर्जन, एंड्रॉइड से थोड़ा बड़ा ही होता है। तो अगर इस वर्जन में ज़्यादा फीचर्स ऐड ना किए होंगे तो इसी के आसपास साइज हो सकता है गेम का, लेकिन अगर ग्राफिक्स में या फिर कोई नए फीचर्स इंक्लूड करते हैं तो ये 10 GB के ऊपर भी जा सकता है। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ इस गेम के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो,
5 में से कोई भी रेटिंग आप दे सकते हो। मेरे से अगर पूछोगे तो यार मैं तो 5 out of 5 एक्साइटेड हूँ इस गेम को ट्राई करने के लिए, क्योंकि ट्रेलर आने के बाद ही इसका हाइप जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बात तो सही है। तो इसी के साथ आज की इस अपडेट वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा एंजॉय किए होंगे, तो उसी खुशी में एक वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनके पास भी लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाले इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।